हाँ दोस्तों, क्या चला है आपका? देखो, मैंने आपको सेल का वीडियो दिया था जहाँ पर मैंने क्लियर किया था कि इस सेल से ब्रांड के हिसाब से कौन सा फोन आपको बाय करना है, कौन सा नहीं करना। आपको मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, उनका तो मैं आपको आंसर दूंगा ही, जो आपके और डाउट बच्चे हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही हम बात करने वाले हैं रियलमी 12 सीरीज के बारे में। इंडिया में रियलमी 12 प्रो, प्रो प्लस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। इनको इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिसके बाद ये क्लियर हो जाता है अब ये सीरीज इंडिया से दूर नहीं है। और जो रेडमी नोट 13 सीरीज है, चाहे वो 13 प्रो हो या प्रो प्लस हो, वो भी इंडिया लॉन्च के लिए तैयार है। यहाँ पर ये एक बैनर आ चुका है सामने, कमिंग सून इन जनवरी 2024। अब इन दोनों फोन में क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, इंडिया में क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या मुझे सही लगी क्या नहीं लगी, सब बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन उठाता हूँ मैं आपके, पहले जरा हम इसी की बात कर लेते हैं। रियलमी 12 प्रो या प्रो प्लस, इन दोनों में आपको इस बार स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिलने वाला है। दोनों में सेम प्रोसेसर होगा। अब आप एक बार नंबर सुनकर ज्यादा खुश मत होना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कैच है। यहाँ पर मेन कैमरा का ही डिफरेंस होगा इन दोनों में। मेन बात पता क्या है, जो नॉर्मल वाला होगा ना प्रो वेरिएंट, वहाँ पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। और जो दूसरा होगा प्रो प्लस वाला वेरिएंट, वहाँ पर आपको पेरिस्कोप लेंस मिल जाएगा, 3x ऑप्टिकल जूम वहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें मेजर अपग्रेड होंगी पहले के कंपैरिजन में। साथ में वही एमोलेड डिस्प्ले, कर्व्ड पैनल आपको मिलेगा और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको दोनों में मिलने वाला है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो 6000mAh की बैटरी भी आपको इस बार मिल सकती है, जो कि पहले थी 5000mAh की बैटरी। और जो 6000mAh की बैटरी सामने आ रही है ना, वो आ रही है प्रो वाले वेरिएंट की खाली, रियलमी 12 प्रो। जो प्रो प्लस है वहाँ पर 5100mAh की बैटरी आपको मिल सकती है। तो ये कुछ डिटेल सामने आई है अभी इन दोनों स्मार्टफोन्स की। अगर अब हम बात करते हैं ना रेडमी नोट 13 प्रो से या प्रो प्लस से, ये फ़ोन कितने अलग हैं। देखो, जो रेडमी नोट 13 प्रो है ना, वहाँ पर आपको मिलना है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, जो कि एक बजट का ही प्रोसेसर है। अगर 20, 22, 25 के अंदर आया तो ठीक है, वो प्रोसेसर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिल रहा, जो कि आपको इनके प्रो वाले वेरिएंट में मिल रहा है, जो कि आपको कम प्राइस का देखने को मिलेगा। दूसरा, जो Redmi Note 13 Pro Plus है, वहाँ पर है Dimensity 7200 और यहाँ पर आपको मिल रहा है Pro Plus में 7 Gen 3। अब देखो, 7 Gen 3 सुनकर सबके माइंड खटक गया होगा कि जी हाँ, Poco F5 में 7+Gen 2 था, स्कोर्स थे 1 मिलियन के आसपास, यहाँ पर Gen 3 है, ये तो दोस्तों दुनिया हिला देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है ये ब्रांड्स आजकल नंबर को दिखाकर कितना गेम खेलते हैं। जो 7+Gen 2 है ना, वो अभी भी काफ़ी ऊपर है Gen 3 के कंपैरिजन में। Gen 3 थोड़ा कम रहेगा Gen 2 से, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये नंबर का गेम खिलाकर सबको घुमाया जा रहा है। हालांकि बुरा नहीं है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है ये, 7 से 8 लाख के आसपास आएंगे इसके ओंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। इस टाइम पे लोगों के मन में ये डाउट था कि अगर ये प्रोसेसर ले आते हैं फिर तो ये शोमी को क्लियर टक्कर दे देंगे, मतलब पीछे ही छोड़ देंगे रेडमी नोट 13 प्रो प्लस को, बिकॉज वहाँ तो Dimensity 7200 है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत तगड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। Gen 3 भी है बढ़िया, वो भी बढ़िया है, वो MediaTek का है, ये स्नैपड्रैगन का, ये फर्क है। हाँ, स्कोर थोड़े से आपको कम मिलेंगे 7200 की अगर आप Gen 3 से कंपेयर करते हैं तो, बाकी सारी बात होगी यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की। ये मैं ऑफिशियल स्कोर्स की बात कर रहा हूँ जो ब्रांड प्रॉमिस करती हैं, जैसे जो MediaTek ने प्रॉमिस की हैं या फिर जो Qualcomm ने प्रॉमिस करे हैं। लेकिन जब फ़ोन में प्रोसेसर लग के आता है ना, तो बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, फिर डिसाइड होता है कि इसमें क्या स्कोर्स हमें मिले थे। अब मान लो Gen 2 में 1 मिलियन स्कोर्स आते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जहाँ भी Gen 2 लगेगा वहाँ 1 मिलियन आएंगे, किसी में 1 आएंगे, किसी में 9 लाख आएंगे, किसी में 8 तक भी रुक जाएंगे आके, तो ये चीज़ रहती है। अब देखना होगा Realme जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फ़ोन में 7 Gen 3 को, तो वो इसकी ऑपरेशन कैसी करते हैं जिससे स्कोर्स हमें अच्छे देखने को मिलें। एट दी एंड परफॉर्मेंस हमें अच्छी चाहिए, ये हमें Redmi Note 13 Pro Plus में मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है। ऐसा नहीं है एक यहाँ है तो एक यहाँ है, दोनों आसपास बैठे हैं ये प्रोसेसर। तो इससे एक डाउट बड़ा क्लियर ये हो गया है कि Gen 3 नंबर गेम के चक्कर में आपको नहीं आना है। प्रोसेसर अच्छा है, इसमें मैं आपको कोई कंप्लेन
नहीं कर रहा। अब प्राइसिंग देखने की क्या रहती है, उम्मीद है इस बार आपको ये मिलेगा 25,000 के आसपास की रेंज में, अंडर 25,000 पहले भी मिला था, अब भी है उसी रेंज में देखने को मिलेगा। और प्रो प्लस का प्राइस वही 27,000-28,000 रखा जाएगा स्टार्टिंग में। और आपको पता है एक बार जब फोन लॉन्च होता है ना, एक बार प्राइस ज़्यादा होता है उसका, कुछ टाइम बाद सेल आती है, फिर गोल्ड की तरह प्राइस नीचे गिरता है इन स्मार्टफोन का। 2022-2021 में तो अभी भी Redmi Note 11 Pro भी मिला था ना, 20 तक भी मिल गया था, और जो Pro Plus है वो 25 के आसपास मिल रहा था, लॉन्च जबकि हुआ था 28,000 के आसपास। तो ये चीज़ आपको फिर से देखने को मिलेगी, प्राइस ड्रॉप तो होगा ही इनका। तो यही है इन दोनों के बारे में, जैन में आपको ये दोनों फ़ोन देखने को मिलेंगे, 12 सीरीज का भी 13 सीरीज का भी। अब जरा मैं आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं सेल के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने आपको सेल में सब कुछ तो समझा दिया था। अभी भी कई फोन ऐसे आ गए हैं निकल के जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े डाउट आ रहे हैं सबके माइंड में। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, ओनर 100 प्रो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मैंने आपको उसका अनबॉक्सिंग दे दिया, वो आप चेक कर लेना। और साथ और मैंने आपको IQ 12 का भी अनबॉक्सिंग दे दिया है, जो आपको 12 को इंडिया में देखने को मिलने वाला है फ़ोन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको उनके। अब जरा आपके क्वेश्चन कुछ देख लेता हूँ मैं, पोको C55 कैसा है, मत करो यार इस पे इन्वेस्ट, आप 10,000 में या तो ले लो पोको M6 Pro या फिर आप ले लो, आपको 8 इसी में मिल जाएगा, 8-9,000 में पुराना वाला फ़ोन पोको M5, वो अच्छी ऑप्शन है। आई एम वेटिंग सीइंग 2 months फॉर Redmi Note 13 Pro, जी हाँ ये फ़ोन आपको मिलने वाला है जैन में, अब ये कंफर्म हो गया है। और 13 Pro लग रहा है कि उतना शायद स्ट्रॉन्ग आपको ना भी लगे, मैंने जितना चेक किया इस फ़ोन को, बाकी देखते हैं इंडिया में क्या प्राइसिंग आती है। OnePlus डिस्प्ले लाइन इशू फिक्स और नॉट, अब जो न्यू फ़ोन आ रहे हैं उनमें तो ऐसा इशू अभी नहीं देखा है, बाकी अगर इशू आता भी है ना तो ब्रांड फ्री में आराम से उसको ठीक करके दिया था जिनका इशू आया था पहले, ये सर्विस मुझे अच्छी लगी थी OnePlus की, बाकी आई थिंक अब ये इशू नहीं आएगा आगे, बाकी देखते हैं क्या होते हैं। न्यू ईयर सेल भी आएगी क्या, देखो ये न्यू ईयर सेल ही आप लगा लो, एंड ऑफ ईयर सेल ये चल रही है, इसके बाद अब जो सेल आएगी ना ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे डिस्काउंट मिले, क्योंकि अब ये बीबीलियन डे जब इन्होंने ख़त्म किया था, काफ़ी लंबा चला था, ख़त्म किया था, उसके बाद ये डिस्काउंट मुझे कुछ कुछ अच्छे लगे हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। अगर आपको कोई फ़ोन बाय करना है जो मैंने फ़ोन बताए हैं ना उनको अभी आप बाय कर लोगे तो भी आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत सही गैस कर रहे हैं ओनर 100 प्रो, मैंने इसमें पूछा था किस फ़ोन के अनबॉक्सिंग में लाने वाला हूँ, तो बढ़िया है। प्लीज सजेस्ट फोन अंडर 10,000 सैमसंग बेस्ट फ़ोन, यार सैमसंग F14 बहुत बढ़िया फ़ोन है, अगर आपको 10 तक मिल रहा है तो 10 तक मिल ही रहा है, मैंने चेक किया ये लॉन्ग टर्म यूज़ में, आपको नॉर्मल यूज़ में बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा दिन बैटरी, 2 दिन तक बल्कि आपका साथ दिन आएगी इसकी बैटरी। मोटो करता है मोटो पे क्यों मरता है, यार ऐसी बात नहीं है, मोटोला के जो अच्छे फ़ोन हैं वो मैं आपको सजेशन देता हूँ लेने के लिए, जो बुरे हैं वो मैं मना करता हूँ आपको लेने से, क्लियर बात है। सर सैमसंग गैलेक्सी F14 नॉट हैविंग स्मार्ट व्यू ऑप्शन, नहीं यार स्मार्ट व्यू ऑप्शन तो सैमसंग के सभी डिवाइस मैंने देखे अब तक, तो बाकी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा ये अलग से। सैमसंग S21 ख़राब है, S21 FE 5G की मैंने बात करी है जो आप ले सकते हैं 2023 मॉडल। M34 कैसा है, 15 तक मिल रहा है तो बढ़िया है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैमरा वगैरह बढ़िया है फ़ोन का, डिस्प्ले क्वालिटी भी बढ़िया आपको मिल जाएगी, और नॉर्मल यूज़ में या कैजुअल गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी आपको, हाँ हैवी गेमिंग करनी है तो आपको दिक्कत आएगी इस फ़ोन में। बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 गेमिंग एंड कैमरा, देखो गेमिंग कैमरा आपको चाहिए ना इस रेंज में तब आपको पोको X5 Pro की तरफ ही जाना पड़ेगा, 778G प्रोसेसर है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, और कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। अरे सर IQOO Neo 7 का वीडियो बनाओ, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ IQOO Neo 7 का, आपको ये फ़ोन 25 तक मिल रहा है और 25 तक आपको इससे बेटर ऑप्शन हाई परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलने वाली है, एक ये ऑलराउंडर पैकेज है उस रेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फ़ोन में भी। हम कंपनी पर नहीं आपकी बातों पर विश्वास करके फ़ोन बाय करते हैं, 100% वर्थी होता है, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, आप बस प्यार और सपोर्ट करते जाओ, आपके लिए बढ़िया वाला कॉन्टेंट में लेकर आता जाऊँगा। इसमें से बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है ऑलराउंडर 25,000 से 33,000 में आपको फ़ोन चाहिए, देखो S21 FE तो 888 वाले वेरियंट का कैमरा बहुत बढ़िया है, अगर आप 33 तक जा रहे हैं ना तो वो उससे कम में ही आपको मिल जाएगा, आंखें बंद करके आप बाय कर सकते हैं, कैमरा क्वालिटी उसकी आपको पसंद आएगी। सैमसंग F34 12,000 में पड़ा है हमको, अच्छा है बहुत बढ़िया है भाई, न्यू सब लेना चाहिए, यानी कैमरा कैसा होगा, कैमरा बढ़िया है फ़ोन का, आप देखेंगे ना पिक्चर क्वालिटी कलर्स या फिर डिटेल्स अच्छी मिल जाती है, बस एक कमी है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे रिकॉर्डिंग होना चाहिए था,
इनफिनिक्स जीरो 35G इज बेस्ट, बढ़िया फोन है ये। 141Hz का रिफ्रेश रेट है, ग्लास फील क्वालिटी आपको मिल जाएगी, प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने वीडियो में बताई थी आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में, वो आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ रिकमेंड मी बेस्ट फ़ोन अंडर 15K फॉर माई फादर। देखो आपको फादर के लिए फ़ोन चाहिए ना, मोटो G54 ले लो, फिर आप कहोगे मोटो मोटो क्यों करता है। अब ये फ़ोन बढ़िया है यार, मैं क्या करूँ, 12-13 हज़ार में मिल जाएगा आपको, क्यों मैं रिकमेंड ना करूँ इसको। नेवर गेट ट्रैप्ड विद फ्लिपकार्ट एक्सचेंज ऑफर। जी हाँ, फ्लिपकार्ट बहुत पागल बनाते हैं यार एक्सचेंज ऑफर के मामले में, मतलब वो प्राइसिंग जो छापता है ना अपने पेज पे, एक्सचेंज ऑफर मिलाकर छाप देते हैं, जिसको देखकर बड़ा गुस्सा आता है। वेरीफाई करना पड़ता है बार बार जाकर कि एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इज दी गैलेक्सी S22 ए गुड ऑप्शन कंसीडर इन दिस ईयर। देखो फोन अच्छा है, फोन में दिक्कत नहीं थी, मैंने बताया ना हीटिंग इशू है जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा है फोन का। आप बाय कर तो लेंगे फोन को, भी चार्ज ही करते रह जाएंगे फोन, ये दिक्कत आएगी। इन्फिनिक्स नोट 30 कैसा फ़ोन है, लेना चाहिए या नहीं? देखो इन्फिनिक्स नोट 30 बढ़िया है, 256GB स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी, वो भी काफ़ी कम प्राइस पर। सर ये सेल 31 दिसंबर को नहीं होगी क्या? ये ईयर एंड सेल ही चल रही है, उस टाइम में सेल तो आएगी, अब ऐसे डिस्काउंट आएंगे नहीं आएंगे उसको लेकर अभी डाउट है, कुछ कन्फर्म नहीं है। आप S23 Ultra चला रहे हैं सर, कैसा है iPhone 14 Pro के कंपेरिजन में? 95,000 का मिल रहा है। देखो 95,000 का S23 Ultra बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, एक बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन मैं इसको बोलूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे हाथ में ये फ़ोन S22 Ultra है, सेम ही लगते हैं दिखने में दोनों फ़ोन वैसे। सर जी सेल में नथिंग फ़ोन 2 लें या iQOO Neo 7 Pro? iQOO Neo 7 Pro ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगा फ़ोन। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मेन यहाँ पर जो डाउट चल रहा है ना बड़े वाला, वो वही M34 को लेकर चल रहा है, iQOO Neo 7 को लेकर चल रहा है। देखो M34 के बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें जो एक्जीनोस का प्रोसेसर दिया है वो प्रोसेसर ऐसा है, अभी तो बढ़िया चलेगा, कैजुअल गेमिंग आप कर लोगे नॉर्मल यूज़ में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जब आप इस फ़ोन को लंबे टाइम तक यूज़ करोगे ना, तब फ्यूचर में जाकर थोड़ा आपको इसमें ऐसा देने को मिलेगा, फ़ोन पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लो हुआ है हैवी यूज़ के टाइम पर, नॉर्मल यूजेज में तब भी आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलने वाला। बाकी बैटरी बैकअप बढ़िया है फ़ोन का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, UI बढ़िया है, नोक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, कुल मिला के सैमसंग फैंस के लिए ये बेस्ट फ़ोन है। 15,000 के आसपास की रेंज में आप इसको उठा सकते हैं, 25 में iQOO Neo 7 Pro बेस्ट फ़ोन है, आप उठा सकते हैं इसको भी। S23 FE 5G भी आप 888 वाला ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए 15 से बीच में, तो POCO X5 Pro एक अच्छा फ़ोन है, जहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस अच्छा कैमरा आपको मिल जाएगा। कुल मिला के यही है जो कुछ भी है, बाकी मेरी वीडियो वो चेक कर लेना आप जो मैंने पहले सेल की बनाई है, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, हेल्प मिली है वीडियो को लाइक करो शेयर करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।